কু একাডেমিক অনুষ্ঠান মানকরে শিক্ষা অনুষ্ঠান মানকরে ইম্পর্টেন্ট আক্টিভ ভাবে গ্রহণ করিয়া পাই এক সচেতনতা বার্তা আজি এ নাইজরু আরম্ভ করিছন্তি ফোর্থ ইয়ার স্কুল অফ ফিজিক্যাল সায়েন্স ছাত্র বিনীত কুমার সে দীর্ঘ রাজস্থান পর্যন্ত 2500 কিলোমিটার যাত্রা করবে এ সচেতনতা বার্তা নেই তার সহ সিধাসলখ আলোচনা করা बेसिकली स्पोर्ट्स को एकेडमिक्स के साथ में कभी जोड़ के नहीं देखा गया है आज तक, तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि स्टूडेंट लाइफ को एक बैलेंस बनाने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए स्पोर्ट्स को एक क्रेडिट मिलना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले कि वो जो टाइम स्पोर्ट्स में जो बिता रहे हैं उनका वो टाइम वेस्ट ना जाए, उनको कोई रिग्रेट ना हो, कोई भी स्पोर्ट खेल के उनको कोई रिग्रेट ना हो, उनको एकेडमिक्स में जोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलने से हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकली हम फिट होते हैं, वो लीड करता है हमें, मेंटल स्ट्रेंथ देता है और वो ओवरऑल हमें एकेडमिक में गेन देता है। तो डायरेक्टली स्पोर्ट्स इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स। तो जो बंदा स्पोर्ट्स अगर खेलता है डेली बेसिस पे, स्पोर्ट्स हर दिन होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ स्पोर्ट्स का अगर कोई खेलता है तो हर दिन होना चाहिए, उसको कोई मतलब स्पोर्ट्स वेस्ट टाइम नहीं है, ये मैंने अपने उसमें भी लिखा है कि स्पोर्ट्स वेस्ट नहीं है टाइम का, वो समाओ आपको एक अच्छा मतलब प्रोग्रेस करा रहा है आपका, आपके मतलब हर दिन डेली आपके कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट करा रहा है। तो यही मेरा मोटो है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाऊँगा, लोगों से बात करूँगा कि आप स्पोर्ट्स को इस नज़रिए से क्यों देखते हो, मतलब स्पोर्ट्स तो एक अच्छी चीज़ है ना, स्पोर्ट्स को मतलब आप मतलब थोड़ा वो करना चाहिए हमें, मतलब अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में जाएँ। और बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई एक सिस्टम ही नहीं है कि किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखो तो यहाँ कोई एक सिस्टम ही नहीं है कि स्पोर्ट्स को एक वैल्यू दी जाए, यहाँ पे बस एकेडमिक्स को ही वैल्यू दी जाती है। तो मेरा यही अवेयरनेस रहेगा कि स्टूडेंट्स को एक थॉट मिले कि एक बंदा है कि वो ऐसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हम भी कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ चेंज ला सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में। इससे और ये होगा स्टूडेंट लाइफ एक हेल्दी लाइफ बनेगी, कॉम्पिटेटिव लाइफ से हट के एक बैलेंस लाइफ बनेगी। 2500 किलोमीटर का आपका सफर रहेगा, साइकिलिंग करेंगे, कितना कितना इंस्टीट्यूट को जाएंगे, टच करेंगे, और स्टूडेंट लोग को क्या आपका मैसेज रहेगा? मेरा बेसिकली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नाइसर से, अभी मैं IIT भुवनेश्वर जाऊँगा, IIT भुवनेश्वर से मैं कटक, भद्रक, बालासोर और उसके बाद में मैं जाऊँगा ISM धनबाद में, और उसके बाद IIT पटना, IIT कानपुर और MNIT जयपुर, और उसके बाद में मैं घर को जाऊँगा। और बेसिकली ये रहेगा कि मतलब कुछ इंस्टीट्यूट में ये क्रेडिट है, तो मैं उन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया इसको, आपको क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है, ताकि मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट और हैं उनमें हम बेहतर मतलब इसको बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स का मतलब अच्छे से हो सके। हाँ, स्पोर्ट्स को शामिल ना करने वजह से क्या क्या दुविधा होता है स्टूडेंट लोग के लिए? स्पोर्ट्स को नहीं शामिल करने से ये सबसे मेन दिक्कत ये होता है कि वो जो टाइम अपना लगाते हैं मतलब स्पोर्ट्स में, तो उनको लगता है एट द एंड ये लगता है कि यार मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया आज, मेरा स्पोर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो एक ये मेंटली उनको डिस्टर्बेंस होता है कि यार मेरा स्पोर्ट्स में खेला, इतना टाइम दिया, इसका कुछ हुआ नहीं। तो इससे ये होगा कि स्पोर्ट्स क्रेडिट आने से कि वो बच्चे फ्रीली जाके खेल सकते हैं, तो उनका टाइम एक्चुअल में स्पोर्ट्स में एकेडमिक्स में इंक्लूड हो रहा है इससे। आजकल जो स्टूडेंट लोग लीजर टाइम मिलता है वो ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो फिट रहोगे तो हिट रहोगे, और सीधा यही बोल सकता हूँ। लास्ट मैसेज क्या रहेगा नाइजर स्टूडेंट लोग को, कि अलग इंस्टीट्यूट हो, लास्ट बर्स्ट लास्ट मैसेज क्या रहेगा? देखो नाइजर बहुत सारे लोग मेरे सपोर्ट में आए हैं, डिफरेंट आइजर्स के लोग आए हैं, आइजर कोलकाता के लोग आए हैं, आइजर बहरमपुर के आए हैं, IIT के लोग, IIT भुवनेश्वर के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया कि हम भी ऐसा चाहते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ बैलेंस बने। तो यही रहेगा मेरा अवेयरनेस का कि स्टूडेंट को जोड़ा जाए, एक ओवरऑल जोड़ा जाए, ताकि एक बड़े लेवल पे जाके मिनिस्ट्री तक ये बात पहुँचे कि हाँ सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। तो यही मैसेज रहेगा कि हाँ हमारी बात मतलब पहुँचाई जाए आगे तक। निश्चित आम तो आलोचना करते विनीत कुमार सहित जो मेसेज रही है सचेतन बार्ता से समस्त अनुष्ठान मानक पहुँचे, जो बार्ता रही स्पोर्ट्स को एकेडमिक सेसन में सामिल करने एक सुस्थ समाज सहित सुस्थ वातावरण सृष्टि हे, और निश्चित छात्र छात्री मैंने एकाडेमिक सेसन में स्पोर्ट्स सामिल करागले निश्चित आर अनेक फायदा उठाई पारे। अर्गनाइज पक्षर आम विनीत कुमार को साधुवाद जनईचु, जरा मंगलमय हो। खोर्धा जटणी भिडियो जर्नालीस्ट दिलीप नायडू संग्राम होता रिपोर्ट अर्गस न्यूज।